दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर के काफी चर्चा है। इस समारोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार के 36 लोग मौजूद थे। उसमें उनके भाई के बेटे ध्रुव भाई पटेल भी मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रतिमा को लेकर के खुशी जताई और कहा कि ये सम्मान बहुत पहले पटेल साहब को मिल जाना चाहिए था और जो सम्मान मिला है उसको लेकर के वो काफ़ी खुश है। लेकिन यदि पटेल जिंदा होते और उनसे इस प्रतिमा के बारे में पूछा जाता तो शायद वो इसको लेकर के मना कर देते। क्या वास्तव में ऐसा है? आप भी सोचिए। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। धीरू भाई ने एकदम सही कहा है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन था वो एक संत की तरह था। एक सांसद हुए हैं, फ्रीडम फाइटर हुए हैं महावीर त्यागी, जो अपने भाषणों के लिए और अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब मेरी कौन सुनेगा में एक वाक्या लिखा है जिसको सुन करके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि पटेल कैसा जीवन जीते थे। वाक्या लिखते हैं कि एक बार वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर गए। उनकी बेटी उनकी सेवा में लगी हुई थी, मणिबेन उनको दवाई खिला रही थी। इस दौरान उन्होंने देखा कि उनकी साड़ी में कई पैबंद लगे हुए हैं, तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, बहन यदि आप हमारे गांव कस्बे की तरफ से निकल जाओगी तो लोग आपको भिखारी समझ करके एक एक आना दे देंगे। इसको सुन करके पटेल थोड़ा मुस्कराए, बोले बात सही है, बाजार में काफी लोग होते हैं, काफी पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद जो पटेल और उनकी बेटी के बारे में, इसको सुन करके सरदार पटेल मुस्कराए और कहा कि हाँ बाजार में काफी लोग होते हैं, काफी पैसे इकट्ठा हो जाएंगे। वहां पे सुशीला नायक भी थी। उन्होंने उसके बाद जो कहानी बताई तो महावीर त्यागी जी काफी भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि मालूम है मणिबेन क्या करती हैं, पहले सरदार साहब की सेवा करती हैं, दवाई खिलाती हैं, चरखा काटती हैं, उस चरखा काटने से जो सूत बनता है उससे सरदार पटेल के कपड़े तैयार होते हैं, और उस कपड़े से जब वो कपड़ा उस कपड़े से जो कुछ बच जाता है या जो पुराना पड़ जाता है उसको सिल करके वो अपने लिए साड़ी बनाती है। इस पर सरदार पटेल ने कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, कहाँ से लाऊंगा पैसा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये चश्मा देखो। फिर जब महावीर त्यागी ने वो चश्मा देखा तो एक की कमानी थी दूसरे में धागा था, चश्मे का केस देखो, तो देख करके वो भावुक हो गए। मैं कहाँ से कपड़े के लिए पैसे ले आऊँगा और कहाँ से दूंगा, इस तरह का जीवन था सरदार पटेल का। लिहाजा यदि इस बात पर बहस हो रही है, मतलब एक सेक्शन एक वर्ग का मानना है कि सरदार पटेल जो इस तरह का सादगी भरा जीवन जीते थे उनके लिए 3,000 करोड़ की प्रतिमा, जिसमें कि 3,500 मजदूर, 250 इंजीनियर और 4 साल का समय लगा है, ऐसी प्रतिमा तैयार करना कहाँ तक जायज है, बहस होगी, लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन उनका जीवन तो यही बताता है कि वो वाकई में संत थे, भारत माँ के सपूत थे, और जिस तरह का उन्होंने जीवन जिया उसके बाद यदि उनके पोते ने ये बात कही है तो बिल्कुल उसमें सच्चाई है कि यदि सरदार पटेल जिंदा होते और उनसे पूछा जाता उनकी प्रतिमा के बारे में तो मना कर दिए होते। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, और उसे सब्सक्राइब कीजिए।